Hello dear friends, today we are going to discuss new unit atomic structure class 11 में भी start हो जाती है और ये first year का भी एक part है, तो हम atomic structure पे आप लोगों के सामने आज बात करने वाले हैं, तो आओ सीखें। atomic structure पे हम पहले atom के structure के बारे में बात करते हैं। समय समय पर बहुत सारी theories के through atomic structure को explain किया गया है। मैं आपको एक छोटे से simple trick के basis पर आपको explain करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका D T R B चार एटमिक मॉडल्स हैं, डाल्टन एटमिक मॉडल, टॉमसन एटमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटमिक मॉडल और आपके पास बोल्स एटमिक मॉडल। ये चार मॉडल एटमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और एटमिक स्ट्रक्चर को समय समय पर अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने बता करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो जब सबसे पहले डाल्टन एटमिक थ्योरी आई थी, डाल्टन ने आपके पास ये बोला था कि जो आपका एटम है, डाल्टन है, उन्होंने आपको पास बोला था जो एटम है वो एटोमस वर्ड से मिलकर बना है या एटोमा वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मीन्स होता है अनकटेबल या फिर अनब्रेकेबल। तो आपके पास एक ऐसी स्मॉलेस्ट स्पीसीज जिसे और छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, सबसे छोटी स्पीसीज दुनिया में वही है, दैट इज कॉल्ड एटम, दैट इज कॉल्ड एटम। और एटमिक मॉडल आपके पास, डाल्टन ने ये कह के अपने मॉडल को कहा था कि जो चीज सबसे छोटी है दुनिया में, लेकिन तो वही आपके पास सबसे छोटी स्पीसीज है, उससे छोटा कुछ भी नहीं है, वो आपके पास एटम है। लेकिन बाद में जब एटम को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया और साइंटिस्ट के द्वारा, तो पता चला कि एटम से छोटी चीजें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये सारी चीजें भी हैं। तो आपके पास इसका मतलब एटम आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज नहीं है, उससे छोटी स्पीसीज भी, बहुत सारी छोटी छोटी स्पीसीज भी हैं। इसीलिए एटम के इस मॉडल को फिर फेल हो गया ये मॉडल। और डाल्टन्स और ये मॉडल बहुत साल पहले भी एक ऋषि मुनि ने भी दिया, बताया था कि आपके पास एक छोटा सा पार्टिकल है, तो उसने एटम वर्ड पर्टिकुलरली यूज नहीं किया, बट एटम को एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। डाल्टन ने भी उसे 1800 के आसपास उसे समझाने की कोशिश की थी। जॉन डाल्टन्स, जे जे थॉमसन, फिर उसके बाद आया थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने किस तरीके से करी थी, मैं आपको यहाँ पर उसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास एक सिस्टम है, आपके पास दो प्लेट्स है, एनोड और कैथोड मेटल्स की, और मेटल्स की ये जब सॉरी ये प्लेट्स लगाई जाती हैं, तो आपके पास यहाँ पर से इसमें अगर आपके पास करंट वगैरह प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पर से एक इसी स्पीसीज से अगर सपोज ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड से कैथोड की तरफ एक रेज निकलती है जिसे आपका एनोड रेज भी कह देते हैं। और एनोड रेज में आपके पास ये मेटल की प्लेट्स होती है, तो जब इसे करंट वगैरह प्रोड्यूस कराया जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो तब उस टाइम पे नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे। तो जब इसको अंदर से बहुत ज्यादा डीप स्टडी किया गया, तो पता चला कि आपके पास यहाँ पर कुछ एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिन पर चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, जिसका मास 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम होता है। तो उन स्पीसीज को जब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया गया, तो उसे इन्होंने थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी भी करी गई। और इसे जो सिस्टम बोला गया, इसे डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किया गया, एनोड रेज में देखा गया। अब अगर हम इस सिस्टम को ही दोबारा अगर यहाँ पे प्लेट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, कैथोड यहाँ एनोड यहाँ लगा लेते हैं, तो यहाँ पर से पॉजिटिव रेज निकलती है जिन्हें कैथोड रेज के नाम दिया गया। कुछ कुछ में एनोड कैथोड में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप सिस्टम को किस तरीके का लेते हैं। अगर आपके पास पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव पार्टिकल की रेज अगर यहाँ से यहाँ जाती है, तो उन्हें प्रोटॉन्स नाम दिया गया। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी इस तरीके से हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपका थॉमसन ने की थी इस तरीके से, इस सिस्टम को देख करके, डिस्चार्ज ट्यूब को देख करके। एक्चुअली अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब देखना चाहते हैं, तो अपने घरों पर जो CFLs या बल्ब लगे होते हैं, वहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब भी है। उस डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं। जब आप उसे बाहर से करंट बटन दबा के स्विच ऑन करते हो और आपकी CFL जब जलती है, तो उसके अंदर जो वो लाइट जलती है, जिसकी वजह से
मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अंदर ही अंदर सीएमएल या बल्ब के अंदर, तो वो आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब आप उसे एज्यूम कर सकते हो, समझ सकते हो। तो डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को इस तरीके से डिस्कवर किया गया था और उनको ऐसे बनाया गया था या उनको ऐसे ऑब्जर्व किया गया था, तो इसी बेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद आपके पास थॉमसन को पता चला कि एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज नहीं है, उससे छोटी स्पीसीज भी है, और उससे छोटी स्पीसीज जो आपके पास है, तो उससे छोटी स्पीसीज आपके पास जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी है। तो इन्होंने एक इस तरीके से अपना एक मॉडल रिप्रेजेंट किया कि जो आपके पास एक एटम होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज, इलेक्ट्रॉन ऐसे फंसे होते हैं या धंसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज, तो इसीलिए इसे वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है और थॉमसन मॉडल तो बोला ही जाता है। तो एटमिक मॉडल को इस तरीके से थॉमसन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अब बात आती है रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए एटम के मॉडल पर, तो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल दी, गोल्ड फॉइल मतलब गोल्ड भी आपके पास एक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है, एक एटम है, उस एटम पर या उस एलिमेंट पर उसने अल्फा रेज पास करवाई, तो उसने अल्फा रेज पास करवाई, तो अल्फा रेज आपके पास ये अल्फा रेज डाली, जब उसने अल्फा रेज किसी गोल्ड फॉइल पर पास करवाई तो गोल्ड फॉइल से जाने के बाद उसने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी रेज ऐसी की ऐसी ही निकल जाती है, बहुत सारी रेस ऐसी की ऐसी निकल जाती है। अगर एटम थॉमसन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज का गोला होता एक भी रेस इससे पास नहीं हो पाती, बिकॉज अल्फा रेस अपने आप में कुछ पॉजिटिव रेस होती है, और जब पॉजिटिव रेस है और ये भी अगर पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है, पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर होता, तो एक भी रेस यहाँ से पास नहीं हो पाती। तो इस पहली वाली सिचुएशन से कि बहुत सारी रेस ऐसी की ऐसी पास हो जाती है, इससे ये पता चला कि आपके पास ये जो एटम है वो आपके पास वो जो गोला है वो मतलब आपके पास पॉजिटिव चार्ज का गोला नहीं है, उसमें बहुत सारा स्पेस खाली है, क्योंकि तभी वो उस खाली वाले स्पेस से ऐसी की ऐसी रेस बाहर हो जाती है। तो पहले पॉइंट से तो ये पता चला कि बहुत सारी रेस ऐसी की ऐसी पास हो जाती है, फिर पता चला कि बहुत सारी रेस में से कुछ रेस, अगर 2000 रेस आपने डाली तो उसमें से 15-20 रेस कुछ एंगल पर डाइवर्ट कर जा रही है या डेविएट हो जाती है, कुछ एंगल पर वो डेविएशन शो कर जा रही है या मुड़ जा रही है, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, डिफ्लेक्शन शो करने लग जा रही है। तो इस इन कुछ सेकंड वाले पॉइंट से कि कुछ रेस जब कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो इस बात से ये समझ आया कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज तो है, पूरा पॉजिटिव चार्ज का गोला तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तीसरे पॉइंट में उसने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी रेज में से कुछ एक या दो रेज, 2000 रेज है, 2000 में से एक या दो रेज 180 डिग्री के एंगल पर वापस आ जाती है। तो इससे ये पता चला कि एटम के पास आपके पास पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक सेंटर पर है जिसे उसने न्यूक्लियस दिया, न्यूक्लियस कहा, और एक्चुअली रदरफोर्ड ने आपके पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी और न्यूक्लियस को भी एक्सप्लेन किया था, और फिर इन्होंने एक बात कही कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस मॉडल के आपके पास एटम के मॉडल में उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा एटम का मॉडल में आपके पास एक सेंटर होता है, सेंटर पर आपके पास न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इस तरीके का मॉडल रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद। इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थॉमसन के द्वारा एक्सप्लेन कर दिए गए थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ऐसा एक्सप्लेनेशन हुआ उसके बाद ये कुछ बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने मॉडल को, कुछ समय तक तो इसको ही बहुत महत्ता मिली, इंपॉर्टेंस मिली, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मॉडल भी फेल हो गया, बिकॉज क्योंकि आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव से बहुत मोहब्बत करता है, तो सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज में गिर जाने चाहिए थे और एटमिक मॉडल तबाह हो जाना चाहिए था। तो सर रदरफोर्ड सर आपने जो इतना बढ़िया बहुत मेहनत करी थी, सबसे ज़्यादा मेहनत रदरफोर्ड ने की है सारे एक्सपेरिमेंट करने में, और उसके बाद जो आपने मेहनत करी तो आपका मॉडल तो बचा ही नहीं क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अंदर गए थे और एटमिक मॉडल तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपका मॉडल तो कहीं रहा ही नहीं, हमें दिखा दो वो तो दिखा ही नहीं। तो फिर एटमिक मॉडल इस तरीके से यहाँ पे रदरफोर्ड का फेल कर जाता है, लेकिन एक्चुअली में मतलब मुझे लगता है रदरफोर्ड ने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद क्योंकि उसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो अपनी एनर्जी लूज करते हैं,
और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है और अपनी एनर्जी लूज करता है, तो लूज करते करते उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर जाएगा और एटम मॉडल खत्म हो जाता है। तो इस बात को ये रदरफोर्ड उस बात को क्लियर नहीं कर पाए और एटम मॉडल इनका डिस्ट्रॉय हो गया। इन सब बातों का फायदा उठाते हुए नील्स बोर आए 1913 में और उन्होंने एक नया मॉडल रिप्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। उस बुक नील्स बोर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है मैं उसे बताता हूँ। नील्स बोर ने 1913 में अपने मॉडल को रिप्रेजेंट किया सभी की बातों का फायदा उठाते हुए। उन्होंने ये कहा कि सेंटर पर एटम के न्यूक्लियस होता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं। ऑर्बिट्स आपके पास जिन्हें हम जनरली के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं 2n² के बेसिस पर n=1, n=2, n=3, n=4। तो यहाँ पे n=1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 32। जैसे फोर्थ है तो यहाँ पे n=4th शेल है तो 4 × 16, 4 × 16, 2 × 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं। एटमिक मॉडल इन्होंने इस तरीके से बोला। और जब यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन या 18 या 32 इस तरीके से आप फिल करते हो और भी कुछ टेक्निक है उसको बनने में हम उसे एक्सप्लेन नहीं करते भी। तो इलेक्ट्रॉन जब फिल किए जाते हैं तो इन्होंने सबसे पहले पॉइंट में यही कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पर मूव करता है तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है, और जब वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है तो एनर्जी लूज नहीं करता तो वो अपने न्यूक्लियस पर नहीं गिरता और एटमिक मॉडल तबाह नहीं होता। वो अपने थ्योरेटिकल में उन्होंने इस बात को रखा जो रदरफोर्ड अपनी बात में एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। लेकिन सिर्फ इनका ये कह देना ये इम्पोर्टेंट नहीं था, इन्होंने इस बात को मैथमेटिकली प्रूव किया और मैथमेटिकली उन्होंने इस एटमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया। जब जब भी किसी साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है तो बहुत सारे केसेस बहुत ज़्यादा चांसेस रहे हैं कि किसी दूसरे साइंटिस्ट ने उस पर उंगली नहीं उठाई क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने कह दिया कि हाँ सब कुछ चाहिए। और आपके पास बोर मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया और उन्होंने बहुत अच्छी बात मैथमेटिकली एक्सप्लेन करी। उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस पे नहीं गिर सकते, एक्चुअली ये मूव ही नहीं करते या खाली जगह पे नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन इनमें क्या है उन्हीं पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्बिट्स पर मूव करते हैं जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम एमवी को कहते हैं मोमेंटम, अगर उसे आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये मोमेंटम हो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जिस भी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित कक्षकों में मूव करते हैं, कक्षाओं में मूव करते हैं, ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। अब इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, पूरे पूरे अंक वाला 1, 2, 3, 4 वाला। तो आपके पास अगर वो इस बात को सेटिस्फाई करता है ये इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है इस मॉडल का, तो आपके पास जब इलेक्ट्रॉन है तो जिनके लिए n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगी तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इस खाली जगह में नहीं होगा। हो सकता है वो एक्साइट करके यहाँ चला जाए या यहाँ से यहाँ आ जाए, लेकिन वो ऐसे से करके यहाँ कभी नहीं आ सकता। वो इस बात मैथमेटिकल चीज से हम समझ सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आता और एटम के अंदर नहीं गिरता और एटम के अंदर नहीं गिरता, एटमिक मॉडल तबाह नहीं होता और एटमिक मॉडल जब डिस्ट्रॉय नहीं होता है तो आपके पास इसी को एटमिक मॉडल को हम ज़्यादातर एक्सप्लेन करते हैं और आज भी मतलब हम ज़्यादातर बोर के मॉडल यूज करते रहते हैं। और आगे हम इसके बाद भी इसमें कुछ लिमिटेशंस रही हैं, ये जो बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पाया है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 होते हैं लेकिन एक पॉजिटिव है तो एक चला गया, इसके पास भी अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली जो एक्सप्लेनेशन दे पाता है, प्रूवडली जो बात कह पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पाता है। बोर भी मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बोर भी नहीं बता पाया। उसके बाद श्रोडिंगर और सोमरफेल्ड 2 मॉडल्स और आए थे लेकिन वो भी इस बात को क्लेरिफाई नहीं कर पाते। जनरली आज तक जो भी चीज़ें रिसर्च हुई हैं वो हाइड्रोजन एटम के लिए ही प्रूव्ड हुई हैं, बाकी मेटल के लिए हम हाइपोथेटिकली हम उसे मान के काम करते रहते हैं। और इन्होंने अपने मॉडल में एक पॉइंट ये बोला और इसकी लिमिटेशंस ये है
और एक लिमिटेशन इसकी ये है कि ये वाला जो मॉडल आपके पास हम रखते हैं, ये आपके पास स्टार्क इफेक्ट और आपके पास ज़ीमान इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट क्या है, ये आपके पास ये एक एनर्जी लेवल है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो तो ये एनर्जी लेवल दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, और दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है तो ये स्टार्क इफेक्ट है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड दे करके ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल पे ब्रेक होता है तो इसे आप ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। तो ज़ीमान वर्ड जो आता है इस तरीके से, तो MAN से आप मैग्नेट का साउंड हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ये है मैग्नेटिक फील्ड में होता है, जबकि स्टार्क इफेक्ट जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड देने पर आपके पास स्टार्क इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड देने पर एनर्जी लेवल पर टूट जाना ज़ीमान इफेक्ट कहलाता है। तो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट आपका इस बात को एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन ये मॉडल एटमिक मॉडल उस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी कुछ देख करके मुझे बोला कि सर हम इतने सारे ये मॉडल्स पढ़ते ही क्यों रहते हैं, और जब ये फालतू में सब कुछ फेल हो जाते हैं तो हम इनके बारे में डिस्कशन ही क्यों करते रहते हैं, मतलब इतना सारा ये भी नहीं बता पाया, 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 इसके बाद दो बार वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर भी जब ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते तो हम इनके बारे में पढ़ते ही क्यों रहते हैं, क्यों अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। तो उसका पास एक्चुअली क्या है कि जब आपके पास इन डायरेक्टर्स और इनकी और ये मतलब जितने भी मॉडल्स हैं ये सब इनके स्टूडेंट रहेंगे, ये इसके स्टूडेंट रहेंगे, इसके स्टूडेंट रहेंगे, इनके स्टूडेंट रहेंगे, मतलब ये स्टूडेंट रहेंगे, ये स्टूडेंट रहा है इसका, ये वाला इसके स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन मैं ये मतलब इस बात को मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि जब आपके पास किसी के दिमाग में सब अपनी गृहस्थी में बिजी थे तो इन लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें आई, ईश्वर ने इनके दिमाग में डाली है, जैसे भी इन साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आई, जब किसी की सोच वहाँ नहीं गई उस टाइम पे इन साइंटिस्ट लोगों ने मतलब वो बात सोची और सोचने के बाद आपको बताई, तो उनको रिस्पेक्ट देना हमारा मकसद होना चाहिए और हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि टाइम टू टाइम किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें आपको दी हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कोई एक्सप्लेन करता है या जो कुछ अपने दिमाग लगा करके कुछ बताता है तो आपके पास आपको उनको रिस्पेक्ट देना बनता है। तो इसलिए हम मॉडल को अगर हम पढ़ते हैं तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, मतलब फेल हो गए या उनको और अच्छे तरीके से मॉडिफाइड कर करके हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाए हैं, मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स सीख पाए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाए हैं, उसके थ्रू हम साइंस को इतना डेवलप कर पाए हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देना बनता है, तो बनता है तो उनको हम रिस्पेक्ट देते हैं। और जैसे सबसे पहले जो कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने प्लेन बनाया और कंप्यूटर वाले ने कंप्यूटर बनाया, तो कंप्यूटर इतने बड़ा हुआ करते थे कि पूरे कमरे के बराबर कंप्यूटर थे, आज हम उसे मोबाइल में भी सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं, बट जिस टाइम पर जो सोच उसके पास पहली बारी में उसके पास दिमाग में आई या उसने जो सोचा, जो दुनिया के लोग अपनी चीज़ों में व्यस्त थे और उसने वो सोच करके उस टाइम पर आपको कुछ क्रिएट करके दिया है, नया सा डिस्कवरी आपके सामने रखी है, तो वो रिस्पेक्ट देना उसको बनता है। इसलिए हमें मतलब वो सारे मॉडल्स हम पढ़ते हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो अच्छी बात है। सो फिलहाल आपको शायद ये वाले मॉडल्स क्लियर हुए होंगे और आप कोई बाकी चीज़ों अपनी जिंदगी नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों का कौन, तब तक के लिए फिलहाल हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।